को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आप सभी का आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना अमूल्य समय हमें दे रहे हैं। हम सभी के जीवन में गुरु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह हमारे अंदर छुपे हुए प्रतिभाओं को निखारते हैं और उसके अनुसार हमारा लक्ष्य निर्धारण करते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग को सुगम करते हैं, बल्कि हमारे हाथ में हाथ थाम कर उस मार्ग पे हमें चलाते हैं और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें प्रेरित करते हैं। आज हम एक ऐसी ही पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं जो कि एक रेनाउंड एंड वेल एस्टेब्लिश एंटरप्रेन्योर तो है ही, पर एक गुरु की भूमिका के रूप में वह न केवल इंदौर मध्य प्रदेश बल्कि भारत देश को ऐसे स्विमर, ऐसे खिलाड़ी दे रहे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए मिलते हैं द शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल के मैनेज्ड एंड प्रमोटेड ग्रुप के वन ऑफ द मेंबर्स आदरणीय श्री मनोज दवे सर से। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद और आपने यह अमूल्य समय दिया इस चर्चा हेतु। थैंक यू वेरी मच सर। हम अक्सर जीवन में एक व्यक्ति जो रहता है, मनुष्य रहता है, वो बहुत सारे रोल निभाता है और आपके इतने रोल्स जो आप निभा रहे हैं और आपका यह जो अनुभव हुआ है, इस अनुभव के इस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको क्या लगता है, यह जो जीवन हमें मिला है यह क्या सिर्फ खाना खाने के लिए, सोने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सिर्फ इसी चीज़ के लिए मिला है या यह किसी स्वर्णिम अवसर की ओर हमें इंगित कर रहा है? आपका जो प्रश्न है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर इसमें मेरा जो व्यू है, जो मैं सोचता हूँ, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में खाना, सोना, पैसे कमाना, उसका अपना महत्व है, उसके बगैर हम जीवन जी नहीं सकते। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में अगर कोई एक ऐसा लक्ष्य हो जिसे प्राप्त करने की इच्छा मन में हो और हम उस ओर कार्य करते चलें, वो लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी, यानी हम किसी चीज़ को खरीद कर हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, यानी ये खरीदा जा सके, ऐसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हमारे इस ज़मीन से जाने के बाद भी लोग याद करें कि यार ऐसा कुछ काम हुआ था। तो इस तरह का कोई लक्ष्य हो तो मैंने काफ़ी खुद भी स्विमिंग करा और काफ़ी बच्चों के साथ रहा, और शिशुकुंज की जो फिलॉसफी है वो बाल देवो भव की फिलॉसफी है। हर बच्चे में ईश्वर का रूप है, बच्चे की सेवा करना ही ईश्वर सेवा है, ये एक फिलॉसफी है शिशुकुंज की। इस फिलॉसफी के आधार पर हम लोग काम करते हैं और ये फिलॉसफी जो है मेरे ताऊजी ने कराची में बच्चों को कहानी सुना के और गार्डन में खेल खिला के, इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को महसूस करा कि बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं तो वो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, इतना बराबर होता है। तो मैंने एक जीवन में एक निश्चय करा मन में कि हम बच्चों के साथ रहें, उनको खूब आनंद से गेम खिलाएं, उनको खूब खेल खिलाएं, और जो मेरा कोर खेल रहा स्विमिंग, उसमें हमें एक्सीलेंस अचीव करना है, उस दिशा में हम काम करते चले। ये अनलिमिटेड, इसमें कोई टाइम बाउंड खेल नहीं है, ये काम टाइम बाउंड नहीं है कि इतने समय में इसको पूरा करना जी। तो क्योंकि कोई बड़ा काम होता है या इस तरह का जो काम होता है वो टाइम बाउंड नहीं होता है। अगर ये इतने समय में ये अचीव नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, yes. तो उससे अचीव नहीं होता है, इट्स अ जर्नी, उससे इट्स अ जर्नी। तो जो है मैंने इस दिशा में काम चालू करा बच्चों के साथ, उसमें मुझे बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला। और जब हम किसी अच्छे काम को करने के लिए पूरे मन से कर अगर शुरुआत करते हैं तो ईश्वर भी उस पर बहुत सपोर्ट करता है। तो एक ऐसी कल्पना थी कि भाई हम
इंडियन स्विमर ओलंपिक में एक क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग मेडल लाने का तो सोच ही नहीं सकते। तो हमने पहला निश्चय ऐसा करा कि हम ए क्वालिफाई करें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है तो ए क्वालिफाई करें और उसके लिए हम लोग मेहनत करें। तो हम लोगों ने शिशुपुंज स्विमिंग एकेडमी में उस काम को आगे बढ़ाया, हमारी कोचेस टीम को हमने साथ में लिया और उस उनको मैंने मेरे विचार बताए कि देखो ये काम ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में अचीव कर लेंगे, हमको बहुत लग के बहुत डेडिकेटली और प्योर हार्टेडली काम करना पड़ेगा। ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा उसका है, उसको मैं आगे बढ़ा दूँ, इसके ऊपर कम फोकस करूँ, बहुत सारी कोचिंग की कमियाँ हैं जो मैंने मेरी जो बेटी है हेता, वो यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स तक उसने स्विमिंग करा, तो उसके साथ का जो मेरा सफ़र रहा उसमें जो मैंने सीखा वो मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और हर व्यक्ति को कोई ना कोई इस तरह का काम मन में निश्चय करना चाहिए कि हम ऐसा काम करें। और जीवन में खाना, सोना, पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते, उसके बगैर हमारी जो इच्छा है वो भी शायद पूरी ना हो। तो ये दोनों का समन्वय है, हम किसी एक चीज़ को ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो मेरे आपके लिए सिर्फ यही बता सकता हूँ। तो मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि खाना, पैसे कमाना, सोना, इट्स फॉर लिविंग, यस, बट लक्ष्य इज फॉर लाइफ, राइट? तो हमको इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। जी, जी। और दूसरी बात जो आपने कही कि वाकई में ये दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, जी, जी। और उस सामंजस्य के थ्रू हम एक स्वर्णिम अवसर के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये रेल की पटरी के तरह दो पैरेलल पिलर्स या विचार है जिसपे हमें चलना चाहिए। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि केवल खाना या पैसे या केवल लक्ष्य, दोनों को साथ में लेके चलना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा विचार आपका मिला है सर। सर, ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आप जीवन में बहुत प्रभावित हुए हैं और आपको लगता है कि यह मानव जाति में या मानव जीवन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो बातें कौन सी? जी जी जी, मेरे जीवन के अनुभव से मैं ऐसा समझता हूँ कि हम लोग जीवन में कुछ परसेप्शंस या हमारी हम मानसिकता बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, या इंदौर तो कभी स्वच्छ हो ही नहीं सकता, ये बहुत बड़ा उदाहरण है, इंदौर तो ऐसे ही गंदा रहेगा, है ना? ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं हमारे मन में। तो हम उन भ्रांतियों के साथ जब जीते हैं तो हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, हम उसी में उलझे रह जाते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे मन में आपके प्रति कुछ भावना है तो मैं उस दृष्टिकोण से ही आपसे बात करूँगा, है ना? तो एक जो आपका जो थॉट है वो एकदम न्यूट्रल होना चाहिए और हमें भ्रांतियाँ नहीं बांधनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न है, इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति इंडिविजुअल है। इस दुनिया में जितने लोग हैं उनके अंगूठे का इम्प्रेशन अलग है, तो हर व्यक्ति अलग है। तो हम ये तो नहीं मान सकते कि ये ऐसा है वैसा है, तो हम लोग परसेप्शन ना माने, हम हमारा जो काम है या हम जिस व्यक्ति से जिस काम के लिए गए हैं हम उस दिशा में बात करें उस और पॉजिटिव एटीट्यूड से, तो ही हमें जो है कहते हैं ना अपने सभी लोगों का, इस कुदरत का भी सहयोग मिलता है, हम उस काम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। और एक चीज़ और है कि हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर व्यक्ति करता है कि हे भगवान मुझे माफ़ करना, है ना, मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ करना, पर क्या आपने दूसरों को माफ़ करा क्या? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हम दूसरों के प्रति गांठ बांध के ही बैठे हैं, हम उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं, पर हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं हे ईश्वर मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। तो ईश्वर भी यह सोचेगा कि आप जब खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते तो आप माफ़ी कैसे मांग रहे हैं, आप क्यों मांग रहे हैं, किसी और को माफ़ नहीं कर, किसी और को माफ़ नहीं कर सकते। तो वो जो मैंने कहा ना आपको कि हम पॉजिटिविटी, तो ये पॉजिटिविटी का ही एक पक्ष है जो मैं समझता हूँ। तो हमें किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, हमें किसी से गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सब इंडिविजुअल है, परिस्थिति अनुसार हर व्यक्ति एक्ट करता है, हर व्यक्ति व्यवहार करता है,
तो वो एक परिस्थिति है पर वो ऐसा ही है, ऐसा ही होगा और वैसा ही होगा। तो ये दो बातें जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में हमें एक आत्मसार करके रखना चाहिए, तो उससे हमारा जीवन सरल भी होता है, हम थोड़े रिलैक्स भी रहते हैं। हम अगर किसी के प्रति कुछ भावनाएं रखते हैं तो हम हमारे मानसिक रूप से हम लोग तनाव में रहते हैं और हम लोग रिलैक्स नहीं हो सकते, हम हमारा काम नहीं कर पाते हैं, हम उस दिशा में जा नहीं सकते हैं। तो ऐसा मेरा सोचना है। मतलब मैं पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से आपके टच में हूँ सर, वो विनम्रता वो स्वभाव मैंने आप में भी पाया है कि आप बड़े ही काम हैं, बिल्कुल फोकस्ड वे में अपना एक्टिविटी करते रहते हैं। जो आपने ये जो दो बातें बताई, मुझे भी यही चीज़ लगी कि अक्सर हम सिक्के के एक पहलू को सुनकर अपना मत बना लेते हैं, हमें यदि दूसरे पहलू को जाने के हम वो ऐसा क्यों कर रहा है वो जानने के बाद यदि हम फिर विचार करें कि हाँ ये हमारा जो विचार बन रहा है ये सही है या नहीं है, तो हमेशा हम जब विचार बनाएं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हम विचार दोनों पहलुओं को सुनने के बाद बनाएं, पहले नहीं बनाएं। और ये भी बहुत अच्छी बात बताई आपने कि माफ़ी मांगने से पहले हम ये देखें कि हम माफ़ कर रहे हैं कि नहीं, या किसी की गलती हो रही तो हम उससे भूल रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, जैसे वो एक बहुत प्रचलित कहानी है कि यदि मेरे मित्र ने मुझे चाटा मार दिया तो मैंने उसे सेंट पे लिख दिया, और यदि उसने मेरी कोई मदद कर दी तो मैंने उसे पत्थर पे लिख दी। हाँ। तो क्या इस तरह का एटीट्यूड हम हमारे जीवन में अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं? तो बहुत अच्छी दो बातें आपके बातों से, आपकी चीजों से पता लगी। सर, यदि आप बुक्स पढ़ते हैं या यदि आप कौन सी ऐसी बुक या कौन सा ऐसा जीवन का या एक वाक्य जिसने आपके जीवन को की दिशा ही परिवर्तित कर दी, वो क्या है? जीवन में एक वाक्य ऐसा नहीं होता है जिससे जीवन परिवर्तित हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है कि बहुत हमारा अगर ऑब्जर्वेशन है, अगर हम सही तरीके से जीवन और हमारे आसपास जो घट रहा है उसको हम अगर अच्छे तरीके से देखते हैं तो उससे भी हम हमारे जीवन को बहुत तेज़ी से बदल पाते हैं। तो मेरे जीवन में मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मेरे मदर फादर ने मेरी माँ ने जो मेहनत करी है और उनकी जो दिशा है, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपने सब काम करे, उन्होंने जीवन शांति बाल मंदिर स्कूल का की शुरुआत करी। वो स्कूल की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मेरी मदर आज की तारीख में 88 वर्ष की है, उन्होंने 18-19 साल की उम्र में मेरे दादाजी ने उनको लिमड़ी गांव से सुरेंद्र नगर मैडम मॉन्टेसरी का जो कोर्स है वो करने के लिए सुरेंद्र नगर भेजा था। उस जमाने में जब पर्दा प्रथा होती थी, बहुएं जो है घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस समय मेरे दादाजी ने मेरी मदर को वहाँ पढ़ने भेजा था। तो उन्हें एक दिन ऐसा लगा कि मुझे मेरे बुजुर्ग ने पढ़ाया है तो मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, तो उन्होंने निश्चय करा कि मुझे स्कूल चालू करना है। तो मेरे पिताजी जो है वो एक हमारा व्यवसाय है, उस व्यवसाय में थे और बहुत छोटे स्तर का काम हम लोग करते थे। तो बस मेरी मदर ने मेरे फादर को कहा कि भाई मुझे स्कूल चालू करना है और मेरे दादा अपने आप दादाजी के नाम से करना है। तो उन्होंने एक मिनट में वो डिसीजन लेकर के, हम किराए के घर में रहते थे, नीचे 3 कमरे थे और ऊपर 2 कमरे थे दूसरी मंजिल पे, दूसरे दिन नेक्स्ट डे पूरा शिफ्ट कर दिया मेरी मदर ने 2nd फ्लोर पे। मैं भी छोटा था, मैं भी देख रहा था सर, और नीचे 3 कमरों के मकान में उन्होंने स्कूल चालू कर दी, जीवन शांति बाल मंदिर, जीवन लाल खोड़ीदास के नाम से, जो मेरे दादाजी का नाम है उनके नाम से चालू कर दिया। वो जमाना इंदौर का था जब इंदौर में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरी मदर ने ये पहला MP बोर्ड का प्राइवेट स्कूल स्टार्ट करा, कोई भी नहीं था। तो एक हिम्मत, तो मेरी मदर से मैंने, मेरी माँ से मैंने ये सीखा, एक तो विल होना चाहिए, कारण काम करने का जज्बा, और वो सही होना चाहिए, यानी प्योर हार्टेड। तो उस तरह से मेरी मदर ने जो है वो जीवन शांति बाल मंदिर चलाई और उन्होंने अपने अकेले हाथ से 40 साल तक उस स्कूल को चलाया।
40 साल तक स्कूल पर जाएगा। और ये जो परिकल्प और ये जो शिशुकुंज आज नजर आ रहा है उसका जो फाउंडेशन है वो जीवन शांति बाल मंदिर है। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा और मेरे पिताजी वो इतने मृदुभाषी थे कि वो सियागंज में वो व्यवसाय करते थे और अपने वचन के इतने पक्के थे कि जब जिसको जो बोला वैसा करना। उनका एक शौक हुआ करता था सब्जी खरीदना। अच्छा। किशनपुरा सब्जी मार्केट जा करके वो सब्जी खरीदते थे। तो जब उनका देहावसान हुआ तो वो सब्जी की पाई अभी उनके अंतिम संस्कार में। इतने मृदुभाषी, कभी किसी को उन्होंने दुख नहीं पहुंचाया, कभी किसी को नाराज नहीं करा। तो मैं उनसे बहुत सीखा हूं और वो मेरे बहुत मार्गदर्शक हैं। सर, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं और मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस भावों को सुनकर, जो मैं बहुत समय से इस बात की कल्पना करता था कि जो माता पिता का रिलेशन जो आपके समय और जो पुराने समय में जो प्रेम हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं आज इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम जिस तरह से जी रहे हैं, शायद से बच्चे उस माँ बाप के प्रेम को, और माँ बाप भी वह प्रेम, वह जज्बा, वह डेडिकेशन, वह रोल मॉडल जो आपने कहा कि जिस तरह से आपकी माता जी ने वो रोल मॉडल इस्टेब्लिश करा, आपके फादर ने वो रोल मॉडल दिखाया कि आपको यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी फोकस, जो आपका फोकस और ये सारी जो चीज़ें दिखाई हैं, ऐसे उदाहरण हम माता पिता को प्रस्तुत करने रहेंगे यदि हम बेटा वैसा चाहते हैं। एक बार ऐसी बहुत बात सुनने में आई कि कहते हैं कि हमें शिवाजी जैसा बेटा चाहिए या जी, हमें जी। चंद्रगुप्त जैसा बेटा चाहिए, ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल हैं, पर उनकी माँ ने उनके लिए क्या करा है? क्या कभी हम जीजा भाई बन के देखे हैं? बिल्कुल। क्या हम वैसी माँ बन के देखे हैं या कैसे पिता बन के देखे हैं? तो ये बहुत बहुत अच्छा पहलू आपने एक जीवन का बताया और वाकई में ये एक आपके लिए, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, बट ये इंसिडेंट वाकई में आप जो आज विनम्र हैं, आप जो आज फोकस्ड हैं, शायद से ये दो एग्जाम्पल और जितनी आपने बातें बोली वो सब एक दूसरे से रिलेट ही हो रही है जी जी। और कहीं ना कहीं वो एक ही जगह जा रही है। सर, एक थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट पार्ट पे ले जाता हूँ। आप इतने समय से स्विमिंग की कोचिंग कर रहे हैं, कोई एक सुखद अनुभव, जस्ट टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन ऑन अ लाइटर नोट, आपको एकदम ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा सुखद अनुभव याद आ रहा है जिसमें आपको लगा कि कुछ टफनेस जारी है और एकदम से वाव फैक्टर आ गया, क्योंकि आपने इतनी सारी कोचिंग करी तो कुछ ना कुछ तो ऐसा क्षण होगा। तो मेरे लिए वो क्षण जो है मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। ऐसा था कि मध्य प्रदेश स्विमिंग का इतिहास ऐसा था कि 41 साल से, जब से मध्य प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन बना है, तब से गर्ल्स कैटेगरी में, एज ग्रुप कैटेगरी में और सीनियर कैटेगरी में फीमेल का या गर्ल का कोई मेडल नहीं आया था। हम लोग कभी क्वालिफाई होने का सोच ही नहीं रहे थे, हम सोच ही नहीं रहे। तो मेरी बेटी ने ग्रुप टू में, ग्रुप टू यानी अंडर 14 होता है, ग्रुप टू में चेन्नई में 2 मेडल लिए। तो वो मेरे लिए इस तरह का अवसर था कि हम कहाँ क्वालिफाई होने का सोच रहे थे और हम मेडल पोजीशन पर आ गए और हम पोडियम पे खड़े हो गए, मेरी बेटी खड़ी हो गई। तो वो एक क्षण ऐसा था कि अरे अब हमारे लिए दरवाजे खुल गए, यानी हमें एक रास्ता पता चल गया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो उसका भी एक कहानी है, उसमें ऐसा हुआ था कि हेता 200 मीटर बैकस्ट्रोक करती थी और मध्य प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन ने वो 200 मीटर बैकस्ट्रोक की इवेंट ही नेशनल में नहीं भेजी। ऐसे ही बाय मिस्टेक, लापरवाही बोल सकते हैं, बाय मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि वो इवेंट परफॉर्म करी थी, वो तो करना ही था, उनको जाना ही था। हम लोग तो मेंटली सब प्रिपेयर हैं कि वो 200 कर रही है, पर जिस दिन 200 का टाइम था, दिन था, उस दिन उसका नाम लिस्ट में आया ही नहीं हिट्स के लिए, हिट के लिए नाम भी नहीं।
अरे मैं तो एकदम से आश्चर्य हो गया, अरे टू उसकी मेन इवेंट है 200 बैक स्ट्रोक, उसका नाम ही नहीं है। तो मैंने यहाँ फ़ोन लगाया मध्य प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन के, आपने हमने जो एंट्री भेजी है उसमें हिता की एंट्री क्यों नहीं गई? तो उन्होंने चेक करा, हाँ बोले क्या फ़र्क पड़ता है, गई गई नहीं गई, अपन तो क्वालिफाई भी नहीं हो रहे। मैंने बोला ऐसा नहीं है, क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं ऐसा नहीं हो रहे, एंट्री गई नहीं गई मुझे इससे मतलब है, आपने क्यों नहीं भेजी? तो वो लोग सब थोड़ा ऊपर नीचे सब बातें कर रहे थे, तो उस समय कुछ जानकारी या कुछ इस तरह का जो है, जो प्रेशर का मतलब है कि हमें, मुझे वहाँ पे फेडरेशन के पास जाकर के बताना पड़ा कि इवेंट परफॉर्म करी है और इस तरह से इवेंट में वो पार्ट लेने वाली है, कोई मैं आपसे अलग से इवेंट नहीं मांग रहा हूँ, ये बाय मिस्टेक है। तो उन्होंने अलाउ करा, उन्होंने अलाउ करा और वो बेस्ट 8 में आ गई और बेस्ट 8 में भी सेकेंड प्लेस पे थी, फाइनल में सेकेंड प्लेस पे थी और वो वहाँ खड़ी थी। और जब रेस स्टार्ट हुई और उसमें सेकेंड सिल्वर मेडल ही उसको मिला, मध्य प्रदेश के इतिहास में वो पहला अवसर था। और फिर उसके बाद जो है मध्य प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन या फेडरेशन जो है वो हमारी बातें सुनता भी है और हमारे अनुसार करता भी है। और फिर उसके बाद एक जो हम कहते हैं ना कि एक रास्ता खुला और हमारे काफ़ी बच्चे हर साल एक नया नेशनल मेडलिस्ट बनता चला गया, क्योंकि हमें एक रास्ता पता चला हमें कितनी मेहनत करनी है। तो एक वो अवसर है मेरे लिए बहुत वो बड़ा स्वर्णिम अवसर मैं मानता हूँ कि भाई जैसा हमने चाहा था और वो जो यात्रा शुरू करी थी तो उसका एक डेस्टिनेशन अच्छा मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे क्षण हमारे साथ बिताए और अपनी बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको बताई, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट विचार हम सभी को दिया। आप सभी ने भी इस विचार को सुना आज मनोज दवे सर के माध्यम से। हम दंगल मूवी देखने जाते हैं, हम मिल्खा सिंह मूवी देखने जाते हैं, शायद से इंदौर में ही कितनी ही दंगल और कितनी ही मिल्खा सिंह और कितने ही इस तरह के रोल मॉडल हमारे बीच मौजूद हैं, शायद हम अनुभव कर रहे होंगे उनका। आज इस कॉन्वर्सेशन में हमें कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले लाइफ के। आप भी सोचें कि हम किन पर्सपेक्टिव को अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। हम और नई पर्सनालिटी से और पर्सनालिटी से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे इसी विषय पर। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर शेयर करें और हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जब हम परिवार, धर्म और देश को छोड़कर और समाज और विश्व की बात करते हैं तभी उन्नति है। एज अ डॉक्टर मैंने कभी इस चीज को उस तरह से नहीं समझा कि जो शारीरिक कष्ट हैं उन्हें आप अपने से दूर रखकर भी देख सकते हैं।